सब्सक्राइब कीजिए गोविंद भरोसे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे CBI नेट बैंकिंग इस पे ओपन कर लेना है, फिर पहला जो लिंक आएगा उस पे क्लिक कर दीजिए। ये विंडो क्लोज करके यहाँ ब्लू कलर में लॉगिन नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू क्लिक हियर टू प्रोसीड इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ आपका यूजर आईडी रहेगा और उसके बाद यहाँ पासवर्ड देख के ये जो कैप्चा कोड है ये इसमें देख के आपको लॉगिन करना है। अगर अभी तक आपका लॉगिन नहीं हुआ है तो लॉगिन कैसे करना है या नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अभी हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। और एक चीज दोस्तों, लॉगिन करने के लिए आपको इसमें CIF नंबर भी जरूरी पड़ता है, तो वो CIF नंबर आप कैसे पा सकते हो, कहाँ से मिलेगा, उसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी एक बना दिया है, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए अभी इसमें लॉगिन करके आगे का प्रोसेस देखते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ इंक्वायरी नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। वहां पे आपको फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उस पर क्लिक कर देना है हमें। अकाउंट नंबर आपका जो है जिसका आपको स्टेटमेंट चाहिए वो सेलेक्ट कर दीजिए। और ये जो ट्रांजेक्शन फॉर है ये करंट पीरियड का चाहिए कि स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड अगर करेंगे तो आपको डेट अलाउ करेगा कि कौन सी डेट से कौन सी डेट का चाहिए। फॉर्मेट में यहाँ पे एक्सेल भी है, वर्ड है और एक्रोबैट और टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट करेंगे। डाउनलोड टाइप में दो ऑप्शन मिलेंगे आपको दोस्तों, एक डाउनलोड इंस्टेंटली और एक है डाउनलोड लेटर। डाउनलोड इंस्टेंटली आप करेंगे तो जैसे यहाँ लिखा है आप पढ़ सकते हैं कि वेरियस डेट के 500 ट्रांजेक्शन आपको इंस्टेंटली ऑप्शन में दिखाएगा। और दूसरा जो ऑप्शन है डाउनलोड लेटर, इस ऑप्शन में आपको 2000 ट्रांजेक्शन दिखाएगा। तो अभी हम इंस्टेंटली वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हम डेट सेलेक्ट करना है कि हमें किस डेट से किस डेट तक का चाहिए। हम एक रैंडम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं इसी मंथ की, 1 जून से 23 जून तक का चाहिए। उसके बाद सिंपली आपको ये जो डाउनलोड ऑप्शन है ये डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ कंफर्मेशन पूछ रहा है, यहाँ ओके कर दीजिए। अभी तुरंत आपका जो है स्टेटमेंट डाउनलोड शुरू हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है, हम इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका स्टेटमेंट पूरा जिस डेट से जिस डेट तक हमने मांगा था वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे डेट वगैरह सब आपका डिटेल मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग का यूज करके किसी भी आपके अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।